अरे मैडम जी मैडम जी फोन कर रहे दादा ऊपर कर दिए दादा दादा थोड़ा पीछे हो प्लीज ओके रितेश किनारे हैं क्या कितना फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी और क्या लगता है कौन जीतने वाला है मैंने बहुत फॉलो किया बिग बॉस ओटीटी और क्या सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं दे आर वेरी एंटरटेनिंग और मैं भी सोच रहा हूँ कि कौन जीतेगा सो लेट्स फिगर दैट आउट आई थिंक सभी सही जा रहे हैं सबके रिलेशनशिप बढ़ रहे झगड़ा हो रहा है प्यार भी हो रहा है और टास्क निभा रहे हैं कभी कभी टास्क नहीं निभा रहे तो उसके भी दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ रहे लेकिन व्हाट वाज फैंटास्टिक ऑन ओटीटी वाज करण जौहर कि उन्होंने जिस तरह इस पूरे शो को संभाला है क्योंकि हम तो जानते ही है कि बिग बॉस यू नो सलमान खान सलमान भाई किस तरह करते हैं लेकिन बिग बॉस ओटीटी में अपनी एक अलग पहचान मुझे लगा कि करण जौहर ने इसमें की है मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम एंड ऑल्सो क्या होता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें लाइव दिखाना 24/7 एक नया तरीका है एंड कूडोज टू द एंटायर टीम फॉर पुलिंग दिस ऑफ आई थिंक अभी ये खत्म हो चुका है तो मतलब एक खुशी तो मैं पहले महसूस करूँ फिर दूसरी खुशी की और आप क्या करने वाले हैं अंदर जाके अगर आपकी अगर बात करें हाँ जी कलरफुल अवतार में नजर आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ क्या मतलब क्या होने वाला है अभी वो देखो ना सर अभी सब इधर बताऊंगा सपोर्ट करने वाले हैं बिग बॉस में विनर को थैंक यू